हर हर महादेव। एक किसी सज्जन का प्रश्न है, उन्होंने जो है अपना परिचय नहीं दिया है। वे लिख रहे हैं कि श्री भूदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरी एक जिज्ञासा है कि नौकरी करने वाला या कोई अन्य कार्य करने वाला व्यक्ति मध्यान्ह संध्या अथवा सायंकाल की संध्या कैसे करेगा? मध्यान्ह में कार्यालय में जाना पड़ता है और उधर से आते आते सूर्यास्त भी हो जाता है कभी कभी, तो वो इन दो संध्याओं को कैसे कर पाएगा? इसकी शास्त्रों में क्या व्यवस्था है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न सार्वजनिक है। तो देखिए, इसका बड़ा समुचित सटीक शास्त्रीय उत्तर धर्म सिंधु में दिया गया है और इससे और भी बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। इसको सुनने से और भी बहुत सी शंकाओं का समाधान होगा। देखिए, वे कहते हैं कि संध्या त्रये कालातिक्रमे, तीनों संध्याओं का यदि कालातिक्रम हो जाए, जिस काल में जो संध्या करनी चाहिए, जैसे उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त भास्कर और अधमा सूर्य संहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता, इसी प्रकार सायंकाल की उत्तमा सूर्य संहिता, मध्यमा लुप्त भास्कर और अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता, मध्यान्ह संध्या मध्यान्ह काल में। तो इस तरीके से संध्याओं के जो काल हैं, या और भी संध्या उपलक्षण मान लीजिए उपलक्षक है और सभी नित्य कर्मों का, तो जो जो नित्य कर्म मुख्य रूप से भी संध्याओं के बारे में बताएंगे और भी कार्यों के बारे में बतलाएंगे। तो संध्या का समय यदि कालातिक्रम हो जाए, एक बात और बीच में बतला देते हैं कि काल का भले ही अतिक्रम हो जाए, कार्य का लोप नहीं होना चाहिए। काल का, यद्यपि कार्य और काल दोनों का लोप नहीं होना चाहिए, तभी उत्तम क्रिया होती है। जिस काल में जो क्रिया जैसे करने के लिए कही गई है, उस काल में वैसे ही वो क्रिया संपादित होनी चाहिए, तभी ही संपूर्ण फल के जो है भागी होते हैं। फिर भी बतलाया गया, यदि काल का लोप हो जाए, समय अलग चला गया, तो बोले प्रातः संध्या सूर्य के उदय से होने से पहले करनी चाहिए और सूर्य का उदय हो गया तो बोले अब संध्या ही नहीं करनी, ऐसा नहीं। अभी तो काल का लोप हुआ है, कार्य का लोप मत करो, कार्य तो करो भले ही लेट करो। जैसे आप रोज यूं समझिए, बहुत सरल भाषा में, कि रोज आप 11 बजे दिन में भोजन करते हैं और आज 12 बजे गए, तो आप भोजन करेंगे कि नहीं? अरे भाई, रोज करते थे, नियम था, उस समय करना चाहिए था, नहीं कर पाया, चलो अब 12 बजे ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो अब तो कल करेंगे 11 बजे, समझे ना। ऐसे ही क्रियाओं की विधि है कि जो कहा गया उस समय वो क्रिया होनी चाहिए। तो कह रहे हैं संध्या त्रय कालातिक्रमे प्रायश्चित्तार्थम एकम अर्घ्यम अधिकम दत्वा। संध्या के समय में ये जो यदि संध्याओं का अतिक्रम हो जाए तो एक अर्घ्य और दे देना चाहिए, प्रायश्चित्तार्थ। अब आगे कहते हैं कि रात्रौ प्रहर पर्यंतम दिनोक्त कर्माणि कुर्यात्। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि रात्रौ ये प्रहर पर्यंतम दिनोक्त कर्माणि कुर्यात्, दिन में कहे गए समस्त कर्म, चाहे वो प्रातः काल से संबंधित, मध्यान्ह काल से संबंधित अथवा सायान्ह काल से संबंधित जो भी कृत्य हैं, यदि दिन में संपादित नहीं हो पाए हैं तो वे कर्म रात्रि के प्रथम प्रहर पर्यंत हो सकते हैं। रात्रौ प्रथम प्रहर पर्यंतम दिनोक्त कर्माणि कुर्यात्। जैसे आपने प्रातः काल की संध्या नहीं करी, मध्यान्ह काल की संध्या नहीं करी, सायंकाल की भी नहीं कर पाई, तो आप जो है रात्रि के प्रथम प्रहर आप संध्या कर सकते हैं, परंतु सायंकाल की संध्या नहीं कर सकते। इसमें विशेष बात है, यहां नहीं लिखा और जगह मैंने पढ़ा है कि यदि आपने संध्या नहीं की, अब शाम की संध्या करना चाहते हैं तो शाम की संध्या नहीं होगी,
शाम को आप बैठ करके यदि चाहेंगे सायंकाल की संध्या कर लें, प्रातः काल मध्यान्ह काल नहीं की है तो सायंकाल की संध्या के आप अधिकारी नहीं है। हाँ, सर्वप्रथम सायंकाल को प्रातः काल की संध्या करनी चाहिए और फिर सायंकाल की, मध्यान्ह काल की आप कृता कृता करें या न करें। सायंकाल को प्रातः काल का कृत्य परमावश्यक है, ये बात है। तो प्रातः संध्या परमावश्यक है, प्रातः संध्या आपने कर ली तो फिर सायंकाल को भी आप जो है भले ही मध्यान्ह की संध्या करना चाहें तो सायंकाल को मध्यान्ह संध्या करके फिर सायंकाल की संध्या कर लें, अथवा सायंकाल को सायंकाल की संध्या कर लें, ये। पर प्रातः की परमावश्यक है, प्रातः की प्रातः में हो जाए, नहीं तो फिर रात्रि में भी होनी चाहिए। तो रात्रौ प्रथम प्रहर पर्यंतम दिनोक्त कर्माणि कुर्यात्। इसी तरीके से और भी समस्त कर्मों को समझना चाहिए। यह संध्या नहीं कहा, प्रातोक्त है ना, दिनोक्त कर्माणि कुर्यात्। दिन में कहे गए समस्त कर्मों को रात्रि के प्रथम प्रहर तक किया जा सकता है, परंतु कुछ कृत्य ऐसे हैं जिनको नहीं किया जा सकता। वो क्या है कि ब्रह्म यज्ञम सौरम च वर्जये। ब्रह्म यज्ञ यानी वेद शास्त्रों का पाठ आदि जो कहा गया है ब्रह्म यज्ञ, तो वो नहीं करना चाहिए, वो प्रातः काल या मध्यान्ह काल तक ही सीमित है। शास्त्रों का स्वाध्याय तो भोजनांत लिखा हुआ है, मध्यान्ह में भोजन के बाद करे, वो स्वाध्याय अलग है, ब्रह्म यज्ञ अलग है। और सौरम च वर्जये, सूर्य संबंधी कोई स्तोत्र या सूर्य का पूजन, सूर्य से संबंधित जो सूर्य उपासना है कोई, तो सूर्य उपस्थान, बृहत सूर्य उपस्थान आज कोई कृत्य है तो संध्या तो हो सकती है। संध्या में कह गया, कहा गया सूर्य उपस्थान इत्यादि तो होगा प्रथम प्रहर तक, लेकिन ये सूर्य का बृहत सूर्य उपस्थान या और सूर्य उपासना, सूर्य स्तोत्र का पाठ आदि, फिर ये रात्रि के प्रथम प्रहर में भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञम सौरम च वर्जये, ये कहा गया। आगे कह रहे हैं यदि संध्या का किसी ने सर्वथा लोप कर दिया हो तो, सर्वथा संध्या लोपे, संध्या की नहीं हो, रात्रि के प्रथम प्रहर में भी नहीं की, दिन में आपने नहीं कर पाया, मध्यान्ह में भी आपने संध्या का कार्य नहीं कर पाया, सायंकाल को भी संध्या नहीं की, प्रथम प्रहर में भी नहीं की, पूरा दिन जो है संध्या नहीं की, सर्वथा संध्यालोपे प्रतिसंध्यम एको उपवास। प्रतिसंध्या में एक उपवास, प्रातः की संध्या प्रातः में नहीं की, शाम को भी नहीं की, एक संध्या छूट गई, पूरे दिन कोई संध्या नहीं की तो तीन संध्या छूट गई आपकी, तो एक उपवास करना चाहिए। प्रत्येक संध्या के निमित्त एक उपवास कहा गया है। और अगर उपवास नहीं कर सकता तो देखिए क्या बताया गया है, अयुतम अष्टोत्तर सहस्रम वा गायत्री जप, बोले 10,000 गायत्री का जप प्रतिसंध्या, अथवा 1,008 गायत्री का जप। अयुतम अष्टोत्तर सहस्रम वा गायत्री जप, 1,008 गायत्री का जप या 10,000 गायत्री का जप, अगर वो सख्त है समर्थ है तो 10,000 अयुत संख्या गायत्री जप करे, असक्त है तो वो 1,008 गायत्री का जप करे एक संध्या के लोप में, ये प्रायश्चित बतलाया गया है। अथवा एक दिन का उपवास, तो यहां देखो विचार करते, लोगों को लगता, पहले मुझे भी लगता था कि चलो क्या है, एक दिन का उपवास कर लेते हैं, 10,000 गायत्री कौन जपेगा, एक दिन उपवास रख लेंगे। तो ये मन में तब आता जब हम उपवास की परिभाषा नहीं जानते हैं, तब आपको लग रहा है कि वो तो विकल्प दिया है एक दिन का उपवास, और उपवास नहीं कर सकते तो 10,000 गायत्री जप, 10,000 गायत्री भी जप नहीं कर सकते तो 1,008 गायत्री जप, तो वो तो विकल्प है, अनुकल्प, सर्वप्रथम कल्प तो यही है कि एक दिन उपवास। तो उपवास क्या है, जो हमारे जो है जो एकादशी उपवास है, आज ये उपवास है, आज मंगलवार उपवास है, तो ये उपवास नहीं है। उपवास क्या है उसको सुनिए, असकृत जलपानाच्य सकृत तांबूल चर्मणात्,
उपवास प्रदुष्येता दिवा स्वप्नाच मैथुनात्। ये कार्य वर्जित कर देना चाहिए। ये व्यक्ति करता तो उपवास जो है उपवास प्रदुष्येता उपवास प्रदूषित हो जाता है। असकृत जल पानाच एक बार से ज्यादा जल पी लिया अर्थात उपवास में केवल एक बार ही आप जल पी सकते हैं और कुछ खाना तो है ही नहीं कुछ नहीं खाना 24 घंटे से सूर्योदया सूर्योदय पर्यंतम कुछ खाना नहीं है। नित्य कर्म जो बतलाया गया वो पूरा करना है संध्या इत्यादि। तो एक बार से ज्यादा जल पी लेना तांबूल इत्यादि खा लेना ये भी उपवास को प्रदूषित कर देते हैं। और दिन में सो लेना मैथुन इत्यादि कृत्य ये सब कुछ भी नहीं करना। तो दिन में ना सोना नहीं चाहिए एक बार से जल भी ज्यादा खाना पीना कुछ भी नहीं एक बार से जल भी ज्यादा नहीं पीना केवल एक बार थोड़ा जल पी सकते हैं। बहुत से लोग यूं कह रहे थे कि भाई कोई यदि व्रत हो निर्जल व्रत हो एकादशी निर्जल हो या कोई अन्य निर्जल व्रत हो तो क्या हम आचमन इत्यादि कर सकते हैं। ये भी किसी ने पूछा था तो वही कर सकते हैं। आचमन इत्यादि का निर्जला एकादशी आदि में दोष नहीं है। संध्या इत्यादि में कहे गए जो आचमन है विधि पूर्वक करने के लिए वो नित्य है वो करना ही है। वो करने के बाद भी आप निर्जल व्रत ही माने जाएंगे आचमन का दोष नहीं है। जल पीना अलग चीज है आचमन अलग चीज है। यदि आचमन को कोई जल पीना मानता है तो वो भ्रम है उसको वो नहीं आचमन अलग है। तो ये कृत्य करे यदि संध्या का जो कोई वर्जन कर देता है तब तो लिखा सर्वथा संध्या लोपे प्रसंध्याम एकोपवास अयोतम अष्टोत्तर सहस्रम वा गायत्री जप अत्यसक्त प्रतिसंध्या लोपे शत गायत्री जप। कोई अत्यंत असमर्थ हो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। एक तो हो गया समर्थ एक हो गया असमर्थ एक हो गया अति असमर्थ। तो कह रहे हैं अत्यसक्त अति असक्त अवस्था होने पर प्रतिसंध्या लोपे शत गायत्री जप। और यदि अत्यंत अशक्त है तो प्रत्येक संध्या के लोप में शत गायत्री जप एक माला गायत्री जप तो अवश्य ही करना चाहिए। प्रत्येक संध्या के लोप में प्रायश्चित के निमित्त है ये और वो संध्या का जो नित्य जप करते हैं वो अलग है। अब कह रहा है किसी ने दो दिन संध्या नहीं की आप एक दिन की बात करते हो तीन दिन संध्या नहीं की तो बोले द्विहम त्रिहम लोपे तदावृत्ति ही। दो दिन संध्या नहीं की तीन दिन नहीं की तो छह संध्या हो गई। दो दिन नहीं की तीन दिन संध्या नहीं की तो नौ संध्याएं हो गई इनका लोप हो गया तो 90,000 का स्त्री जप हो गया 10,000 के हिसाब से अथवा 1,000 करेगा तो 9,000 हो गया या 9 दिन व्रत हो गया उपवास हो गया ये है। और अत्यंत अशक्ति अवस्था हो तो भी उसको कम से कम 9 माला गायत्री जप 3 दिन संध्या लोप में अवश्य ही करना चाहिए। तो द्विहम त्रिहम लोपे तदा वृत्ति ही और अगर 3 दिन से ज्यादा हो गई संध्या लोप तो उन संध्याओं की तथा परम कृच्छ्राद्य कल्पम तो फिर उसके बाद तो कृच्छ इत्यादि फिर करना चाहिए। कृच्छ प्रायश्चित का विधान है कृच्छ प्रायश्चित करे फिर और बढ़ता ही जाएगा। मतलब जितने दिन तक संध्या नहीं की जितने दिन तक आपने ये जो है उद्दंडता की शास्त्र आज्ञा का उच्छेदन किया तो शास्त्र का जो है प्रायश्चित यानी शास्त्र का जो दंड ये बढ़ता जाएगा और ये भोगना पड़ेगा। आप इसमें स्वतंत्र नहीं है। कर्म करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है भोगने के लिए नहीं। कर्म का फल कैसा मिलेगा आप कर्म करेंगे अकर्म करेंगे विकर्म करेंगे कर्माकर्म विकर्म कुकर्म जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। एक बात और इसके बीच में बतला दें लोग कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया हम तो बैठे हैं हमने कोई गलत नहीं किया हमने किसी को मारा नहीं हमने चोरी नहीं की हमने ये नहीं किया बैठे ही तो है। अरे भाई तुम्हें संध्या करना चाहिए था तुमने संध्या नहीं की तुमने जप करना चाहिए था अग्निहोत्र करना चाहिए था तुम्हें पूजन करना चाहिए था सड़क कर्म करने चाहिए थे आपने एक भी कर्म नहीं किया। कोई भी कर्म न करना विकर्म कहलाता है। कर्म करना जो शास्त्र कर्म उसे कहते हैं जो शास्त्रों में कहा गया उसको करना
अकर्म उसे कहते हैं जो नहीं करना या जो उल्टा करना, अकर्म उल्टा कर्म करना, जैसा कहा गया उसका विपरीत कर देना, अकर्म कर दिया आपने, जिसी को कुकर्म कहा जाता है आजकल, जो शास्त्रों में कहा गया उसका विपरीत आप कर रहे हैं, उल्टा आचरण कर रहे हैं, जो कहा गया वो तो नहीं कर रहे, निषेध कर्म को करना। और विकर्म वह होता है कि विधि का पालन न करना, आपको कहा गया संध्या करो, अग्निहोत्र करो, जप करो, बलि वैष्णोदेव करो, आतिथ्य सत्कार करो, आप नहीं कर रहे हैं तो यानी कि आप विकर्म कर रहे हैं। यूं समझिए कि कोई ड्यूटी वाला है, सरकारी तनख्वाह पाता है, सरकारी सदस्य है, और उसकी ड्यूटी थी कि आज चौराहे पर जाकर के आपको जो है वहाँ व्यवस्था भीड़ को संभालना है, और वहाँ वो व्यक्ति नहीं गया, सूचना भी किसी को नहीं दी। अब वो कहे कि हमने क्या किया, हमने तो कोई गए ही तो नहीं, अरे आपका वहाँ जाना था, आपके न जाने से वहाँ देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया, इसका कौन अधिकारी होगा, इसको किस जिम्मेदार कौन माना जाएगा, आपने विकर्म किया और सरकार उसको दंड देती है या नहीं देती है, दंड का विधान हमारे संविधान में है या नहीं। इसी प्रकार ये बात है कि जो कुछ भी नहीं करते हैं यानी कि वो विकर्म करते हैं और इसका भी फल भोगना पड़ता है। इसलिए साधु सावधान, साधक को सदा सावधान रहना चाहिए और अपने कर्म में सदा संलग्न रहना चाहिए। हर हर महादेव।